आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम हरे धनिया की चटनी बनाने जा रहे हैं। इसमें क्या क्या सामान यूज होता है वो आपको मैं बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए हमने 100 ग्राम हरा धनिया लिया है और 5-6 हरी मिर्चें, आधी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून नींबू का सत लिया है और पानी। सबसे पहले हम धनिये को साफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी मोटी डंठल ये काट देते हैं, निकाल देते हैं इनको। ये हमने मोटी डंठल निकाल दी है सारी। अब इसके अंदर हम देख लेंगे कोई गला हुआ या पीला पत्ता तो नहीं है, उसको हमें निकालना है। वो हमने निकाल कर बिल्कुल साफ कर लिया है। अब इसको हम फिर मोटा मोटा काट लेंगे। धनिया हमने मोटा मोटा काट लिया है। धनिया को हम इसलिए मोटा मोटा काटते हैं जिससे कि वो हमारे जार में ना उलझे, और हम अपने मिर्चों के डंठल भी तोड़ लेते हैं। इन सभी को हम छलनी में डालकर धो लेते हैं। धनिया और मिर्च हमने धो लिए हैं, अब इनको हम जार में डाल देते हैं। इसके साथ ही हम मसाले डाल देते हैं, नमक, ये नींबू का सत, लाल मिर्च, जीरा और थोड़ा सा पानी। इन सभी को डालकर हम पीसते हैं। लेकिन एक चीज़ बताना चाहेंगे हम आपको कि ये हमने धनिया की जो मोटी डंठलें डाली हैं, काटी हैं, वो इसलिए काटी हैं कि जिससे हमारी चटनी टेस्टी बने, और जो हम पत्ते पत्ते डालेंगे तो उसकी चटनी चिकनी बनेगी और टेस्टी बनेगी। इसलिए मैंने डंठल निकाल के फेंक दिए हैं। और मिर्च आप यदि कम खाना चाहते हैं तो हरी मिर्चें कम कर सकते हैं। इसको हम पीस लेते हैं। हमारी चटनी पीस चुकी है, ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी पीसी है। ये बनने में आसान है क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इन्हें पकौड़े के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब इसको हम कटोरी में पलट लेते हैं। आप इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि एकदम पानी ज़्यादा डालेंगे तो पतली हो जाएगी, और पतली या कड़ी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरी बनाई हुई चटनी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।